एक हीरा सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई आज से 3 दिन पहले। अभी तक कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ है। आइए परिवार के लोगों से जानते हैं इस हत्या के पीछे आखिर क्या वजह थी। बताइए सर। मेरे पिताजी को साजिश के तहत मारा गया जी, जिसमें अभी तक प्रशासन सिर्फ इतना बोल रही है, जो हम आश्वासन दे रही है, जो हम उस पर काम कर रहे हैं जी। जब न्यूज आ जाएगा हम बता देंगे आपको। घटना कब हुई? घटना हुई है मंगलवार की 12 से 1 के बीच में जी। वो भी ब्लॉक कैंपस के पीछे, और धारदार तलवार से या कोई धारदार हथियार से मारा गया है उसको गर्दन पे जी। इसके बाद उसके हत्या होने के बाद अभी तक प्रशासन इसमें कुछ कर नहीं रही है, सिर्फ आके आश्वासन दे रही है, जो हम काम कर रहे हैं और जो भी है हम देख रहे हैं, आप लोग स्थिर रहिए, हम लगे हुए हैं इसमें। लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। एक पकड़ाया भी उसमें, उसका भी कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं हमको मिला है, क्या हुआ नहीं हुआ। पिछले उनकी कोई किसी से कोई दुश्मनी? दुश्मनी तो नहीं थी किसी से, इतना तो नहीं हमको जानकारी है। लेकिन हम शनिवार को नॉमिनेशन करवाने ले गए थे, वहाँ पे कुछ अपने गांव के ही कुछ आदमी उनको गोर हाथ पकड़ के बैठा दिए, आप नहीं खड़ा हुई है वहाँ से। अच्छा, ऐसा हुआ था ऐसा घुरवा दिए। उसके बाद शनिवार को घुरवा दिए, रविवार नहीं सोमवार नहीं मंगलवार को उसका हत्या हो गया। क्या नाम क्या था उनका? हीरा प्रसाद सिंह, मेरे पिताजी हुआ। ये जो इतना दर्दनाक घटना घटा है इसके बारे में। दर्दनाक की बहुत, ऐसा हमारे प्रखंड में कभी नहीं हुआ था, देखे नहीं थे जो हुआ। इसका ऑब्जेक्शन प्रशासन प्रभारी नहीं ले रहे हैं, आवेदन प्रशासन से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। 3 दिन उनका मृत्यु का हुआ, अभी तक कोई खबर नहीं। इसमें डीएसपी साहब बोले हैं जो 8 बजे तक आज हम बताते हैं। को 3 दिन हुए हैं, मगर डीएसपी साहब का अभी का आज का टाइम, आज का टाइम लिए हैं 8 बजे का। क्या नाम क्या हुआ सर आपका? हमारा नाम हुआ विनोद सिंह। हीरा सिंह कैसे व्यक्ति थे बता सकते हैं? बहुत अच्छे आदमी थे, किसी से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करते थे, कभी कुछ नहीं, बहुत अच्छे आदमी थे। उप सरपंच थे, पंचायत के उप सरपंच रह चुके हैं जी। क्या नाम क्या हुआ आपका? सुशील झा। बताइए सर, इस घटना के बारे में क्या कहना है? जिस लड़का के साथ मेरे पिताजी गया था जी, वो लड़का वहीं पे पकड़ाया, उसको हम पहचानते थे, उसको हम पकड़े, जिसके साथ गए थे हम देखे थे वो लड़का के साथ मेरे पिताजी को जाते हुए, उसको हम पकड़े। इसके बाद उसको प्रशासन उसके बाद पकड़ा, इसके बाद वो लड़का कहाँ ले रोसा ले गया, समस्तीपुर कहाँ ले गया, सो हमको पता अभी तक नहीं चल रहा है कि लड़का लड़का क्या बयान दिया नहीं। प्रशासन का कोई रवैया नहीं है, कोई रवैया नहीं, मतलब क्या बयान दिया नहीं बयान दिया, और उसको कहाँ ले गई, या तो उसको छोड़ दिया गया कि उसको अभी तक यह सब रखा है कि उसको जेल भेज दिया गया, अभी तक हम लोग के पास कोई ऐसा न्यूज नहीं है। बिहार में अक्सर इस तरह के घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, आखिर क्यों? कानून व्यवस्था क्यों कब तक सोए रहेंगे? आप देख रहे हैं कैमरामैन ललित कुमार के साथ विश्वनाथ मंडल की रिपोर्ट, क्राइम सच खबर। जो आपको दिखाता है सच का आईना।